दतिया में अपनी हार के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बहुत भावुक नजर आए और उन्होंने कहा, मैं वापस लौट कर आऊँगा। उन्होंने लोगों से कहा, आपकी कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होगी, नरोत्तम मिश्रा की होगी। दतिया में नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मिश्रा बहुत भावुक हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि समुद्र का पानी उतरते हुए देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है मेरा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरा कार्यकर्ता मुझे मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारा तब भी था और अब भी है। जनता के लिए उनको विकास करने दो, कार्यकर्ताओं का विकास मैं करूंगा। मैं हर हफ्ते आपको इसी कार्यालय पर वैसे ही मिलूंगा। आपकी कोई भी दिक्कत आपकी नहीं, नरोत्तम की होगी। सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं ज्यादा समय आप भी जानते हो शांत रहने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी है। तब आपको लगता होगा, तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बचते हैं, वो जीतूं या हारूं ये तय मान के चलना। और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की, जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। सबने कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, लेकिन कार्यकर्ता की। जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो, वो जैसा विकास करे, वो बीमार की जैसी तारीफदारी करे, वो जैसा सड़कों का विकास करे, पुल पुलिया का विकास करे, उनको वो विकास दे, लेकिन कार्यकर्ता के विकास की चिंता मेरी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।